हेलो एवरी वन वेलकम अगेन टू ईज़ लर्निंग दिस इज मोनिका एंड टूडे आई विल डिस्कस अबाउट कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स देखिए हम मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे पी एच डी कोर्स वर्क से कंसर्न जो आपका प्री पी एच डी कोर्स वर्क होता है पी एच डी कोर्स वर्क के जो सिक्स मंथ्स आपको देने होते हैं उसमें आपका जो सिलेबस है उसकी हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस है लेकिन कुछ टॉपिक आपके कॉमन है तो उसमें आपका ये सेकेंड लेक्चर है इससे पहले मैं पीजे जर्नल्स की क्लास ले चुकी हूँ एफ एफ पी ई क्लास भी हो चुकी है थर्ड लेक्चर है आपका ये कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स जो आपका रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स इसका पार्ट है देखिए ये पी एच डी कोर्स से कंसर्न है एन टी में भी कभी क्वेश्चन आ सकता है इसका लेकिन मेन फोकस है कॉन्टेंट नॉलेज के लिए एक प्रॉपर नॉलेज के लिए ताकि आप पेपर में लिख पाएं अटैम्प्ट कर पाएँ और रिसर्च क्या है और जब आप थीसिस प्रिपेयर करते हैं तो एथिक्स को आपको पता होना बहुत ज़रूरी है उससे कंसर्न ये टॉपिक है ठीक है ओके okay. तो कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स इंटीग्रिटी इन रिसर्च एंड पब्लिकेशन प्रैक्टिस तो बेसिकली क्या करता है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ की को हम ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमोट करता है इंटीग्रिटी इन रिसर्च इंटीग्रिटी इन रिसर्च भी आपका एक पार्ट बन जाता है एंड पब्लीकेशन प्रैक्टिस देखिए जब रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं तो पब्लिकेशन प्रैक्टिस ही मीन्स कि आप एथिक्स को फॉलो करेंगे और प्रॉपरली वर्क करेंगे अकॉर्डिंगली इट इज़ एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो स्टेटेड मिशन

तो इसकी अगर बात करें तो कोप इज़ रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी इन द यू के एंड वॉ सेटअप बाय अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखिए दो टाइप को आ, से अग्रीमेंट्स आप साइन कर सकते हैं जब आप कंपनी भी बनाते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ठीक है तो जो साइन हुआ था थर्ड अक्टूबर टू को तो रजिस्टर्ड था ये चैरिटेबल प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट के अंडर जिसमें आप देखो की वर्ड्स आपने ध्यान रखना है किस ऑब्जेक्ट के अंडर ये रजिस्टर्ड हुआ था इज़ टू एजुकेट इज़ टू एडवास नॉलेज इन मैथड्स ऑफ सेफ़ गार्डिंग एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्कॉलिंग रिकॉर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिशर पब्लिशर्स के बेनिफिट के लिए या उनको सेव करने के लिए उन्हें एजुकेट करने के लिए उन्हें एडवाइस देने के लिए देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं फिर बुकिस कंटेंट की तरफ जाएंगे क्या होता है कि जब हम रिसर्च पब्लिश करवाते हैं तो एज ए रिसर्चर हम ढूंढते हैं कि जो पब्लिकेशन है जर्नल है वो आ, आपके पी एडी व्यूड हो एडिटोरियल बोर्ड हो कमेटी हो तो कोप में क्या है जो रजिस्टर्ड हुआ था एज चैरिटेबल कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये तो पब्लिशर के बेनिफिट को ध्यान रखने के लिए जैसे इन्वेस्टर्स के बेनिफिट को सेबी ध्यान रखता है ठीक है हमने कॉमर्स में किया हुआ है कि इन्वेस्टर्स के बेनिफिट को ध्यान रखने के लिए सेबी अपॉइंट हुआ तो कोप इज़ इनकम ड्राइट एक्सक्लूसिव फ्रॉम द मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इसकी इनकम कैसे जनरेट होगी फ्रॉम द मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जनरल एडिटर से पब्लिशर से अदर एफिलेटेड पब्लिशर से रिपोर्ट से और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होगी पब्लिशर्स को गाइड करना उनकी हेल्प करना उन्हें प्लेगरिज्म से बचाना ना, कि सब काम किसका है कोप का ट्रस्ट तो ट्रस्टी बोर्ड की अगर कर बात करें तो गवर्न बाय द ट्रस्टी बोर्ड मैक्सम ऑफ ट्वेल्व ट्रस्टी बोर्ड की अगर बात करें तो 12 हो सकते हैं विच इज रिस्पॉसिबल फॉर द फाइनेंशियल लीगल एंड बिजनेस ऑपरेशन तो ये देखिए कॉन्टेंट नॉलेज के लिए आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल लीगल एंड बिजनेस ऑपरेशन एज अ चैरिटेबल बिजनेस कैसा बिजनेस है चैरिटेबल बिजनेस है किसको अथॉरिटी दी है अथॉरिटी टू काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ठीक है टू मैनेज ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट मीट एटलीस्ट फोर टाइम्स इन अ ईयर एक साल में चार बार मिलते हैं और लीड कर, करते हैं जब चेयर को तो अपने प्लान्स बताते हैं स्ट्रैटीज़ बताते हैं तो ट्रस्टी में, बोर्ड में जो आपके फिफ ट्वेल्व मेम्बर्स होंगी ठीक है और uh, जो आपका फोर टाइम्स इन अ ईयर उनका मीटिंग होगा और इसमें फाइनेंशियल डीगर और बिजनेस ऑपरेशन के लिए एडवाइस दिया जाएगा क्लियर नेक्स्ट देखते हैं एथिकल इशूज दैट कॉप एड्रेस इन अकेडमिक पब्लिकेशन। अकेडमिक पब्लिकेशन की अगर बात करें तो एथिकल इशूज की क्या कंसर्न कॉप एड्रेस अ वाइड रेंज ऑफ एथिकल इशूज जैसे पब्लिशिंग इंक्लूडिंग प्लेगिज्म पब्लिशिंग इंक्लूडिंग प्लेगिज्म फैब्रिकेशन फॉल्सिफिकेशन ठीक है प्लेगज जब आपने किसी का डेटा चोरी करा फेब्रिकेशन जब आपने मैंशन नहीं किया फॉल्सिफिकेशन आपने डेटा को ही मैनिपलेट कर दिया कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट ऑथरशिप ऑथरशिप की मैंने आपकी क्लास ली थी ऑथरशिप की भी क्लास हो चुकी है ऑथरशिप ऑथर मीनस अ पर्सन हु इज राइटिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट जो लिख रहा है अपनी अपनी ओरिजिनल मैन्यस्क्रिप्ट को पब्लिश कर रहा है तो उसमें आपके टाइप्स ऑफ ऑथरशिप हम डिस्कस किया था गेस्ट ऑथरशिप क्या होती है गोस्ट ऑथरशिप क्या होती है गिफ्ट ऑथरशिप क्या होती है पीयर रिव्यू पीयर रिव्यू जिसमें एक एडिटोरियल बोर्ड होगा उसे रिव्यू करेंगे डेटा मैनेजमेंट शेयरिंग एथिकल कंसडेशन बेसिकली अगर आम बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में बात करें दैट मीन्स जितने भी पब्लिशर के बेनिफिट के इंटरेस्ट हैं या उसके टॉपिक्स हैं या उसको सेव करना उसको मैनेज करना उसमें क्या क्या की पॉइंट्स आएंगे प्लेगिज्म आ सकता है फेब्रिकेशन एफ एफ पी तो आएगा ही आएगा प्लेगिज्म आ सकता है फेब्रिकेशन आ सकता है फॉल्सिफिकेशन आ सकता है डेटा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है ऑथरशिप आ सकता है पी आई डब्यू आ सकता है डेटा मैनेजमेंट आ सकता है तो ऑल दिस पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड दीज आर द एथिकल इशू देट वी एड्रेस एज अ कोप ठीक है ओके नेक्स्ट वी हैव अब ये जो की पॉइंट्स हैं इनको हम डिटेल डिस्कस कर देंगे द फर्स्ट वन इज प्लेगम प्लेगिज्म को प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट प्लेगिज्म कि कैसे आप डिटेक्ट करेंगे ठीक है फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा ऑफर रिसोर्सेज़ फॉर आइडेंटिफाइंग एंड डीलिंग विद द रिसर्च मिसकंडक्ट रिसर्च मिसकंडक्ट जो हो रहा है इंक्लूड कर करें आप गाइडलाइंस उससे कंसर्न कि डेटा को मैनिपलेट ना किया जाए या डेटा को फॉल्सिफिकेशन ना किया जाए उसकी करेक्शन कैसे करेंगे आप उससे कंसर्न चीज़ें आपको बताएंगे कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हाउ टू आइडेंटिफाई मैनेज कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट अमंग ऑथर एडिटर एंड रिव्यूअर देखिए दो लोग हैं तो उनमें जो उनका ओपिनियन है उनका पॉइंट हैं वो डिफरेंट होंगे तो उसको कैसे आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे डील करेंगे कैसे एडिटर और ऑथर रिव्यूअर सब अपनी बात रखेंगे उन्हें माना भी जाएगा और एक कैसे कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे ऑथरशिप की बात की उन्होंने क्राइटेरिया डिस्कस किया डिस्लोजर ऑफ़ कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है गिफ्ट ऑथरशिप जैसे थी कि किसी को एज ए गिफ्ट मिल गया आप डीन हैं आप अच्छी पोस्ट पर हैं एच तो आपने उस ऑथरशिप में कोई काम नहीं किया मतलब आपने मेन्यूस्क्रिप्ट नहीं लिखा बट आपको वो एज अ गिफ्ट मिल गया तो उस पर काम किया जाएगा पियर रिव्यूड कॉप ऑफर गाइडलाइंस ऑन हाउ टू कंडक्ट एन फेयर एथिकल ठीक है कॉपी दिखता है कि कैसे आप एक फेयर और एथिकल पीयर रिव्यू जनरल देते हैं ठीक है और कैसे उसको डील करते हैं आप बाइसिस नहीं होनी चाहिए देन आपका डेटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग आप डेटा को कैसे मैनेज करेंगे कैसे शेयर करेंगे कैसे उसे यूटिलाइज करेंगे कैसे उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे एथिकल कंसिड्रेशन ये सब चीज़ों में डील करेगा कोप प्लेगिज्म में फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन में कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट में ऑथरशिप में पीएर रिव्यू में डेटा मैनेजमेंट में एंड एथिकल कंसिड्रेशन क्लियर ओके नेक्स्ट है कोप हैंडल कंप्लेन रिलेटेड टू एथिकल इशूज पब्लिक पब्लिकेशन कि कॉप जो है वो डील करता है तो कैसे डील करेगा इन प्रॉब्लम्स को पहला है कॉन्फिडेंशियल आपको कई बार देखा होगा कि आपका ए का पिन आता है आपके पास बाय पोस्ट तो कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखा होगा उस पर कि दैट शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल तो कॉप डीट ऑल दी कंप्लेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशन एज कॉन्फिडेंशियल कोप क्या करता है कि जितनी भी दिक्कतें हैं जितनी भी चीजें हैं दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशन आप डील करेंगे एडिटर पब्लिशर रिसर्चर से डील करेंगे और एज अ कंसल्टेशन की तरह काम करेंगे इन्वेस्टिगेशन आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे एक्चुअल डेटा क्या है फॉल्सिफिकेशन तो नहीं है फैब्रिकेशन तो नहीं है एक्यूज पार्टी का क्या रोल है दोनों पार्टीज को सुनना या उनका उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना रिसोल्यूशन तो, रिसोल्यूशन की तरफ लेके जाना ठीक है बहुत ही एथिकल प्रैक्टिस की बात की जाती है जब रिसर्च की जाती है कि आपने किसी का डेटा चोरी नहीं करना किसी का कंटेंट चोरी नहीं करना या जिसका भी आपने कंटेंट लिया है तो उसे मेंशन करना या ऑथरशिप में आप गिफ्ट वोस्ट ऑथरशिप टाइप जो होता है उसको कंसिडर करना इन्वेस्टिगेट करना फॉल्सिफिकेशन तो कैसे डील करेंगे तो दीज ऑल आर दी एथिकल इशू डेट डील विद कोप अब एजुकेशन में बात करें तो कोप बिलीव्स इन द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर की टू प्रिवेंटिंग एथिकल ब्रीचिज इन पब्लिशिंग एज सच को प्रोवाइड अ रेंज ऑफ एथिकल एजुकेशन रिसोर्सेज आपको एक ना डेटा चाहिए होता है एक रिसोर्स चाहिए होता है कि वे टू कनेक्ट विद तो उसमें एडिटर पब्लिशर रिसर्चर अंडरस्टैंड बेस्ट प्रैक्टिस एंड एथिकल प्रिंसिपल अगर आपके ऊपर कोई है जो उस पर आपको बिलीव है कि हाँ एथिकल इश्यूज़ को ये कंसर्न कर लेंगे या नोटिस कर लेंगे या ध्यान रखेंगे आपका डेटा जो है अगर आप ऑरिजिनल ऑथर हैं और आपने खुद से मेहनत से काम किया है तो हमें आ, हमारा डेटा चोरी नहीं होगा या कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारी प्रॉब्लम को सुना जाएगा तो उसके लिए एजुकेट करेंगे लियो। तो कोप जो है वो कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी दो बच्चे की याद रखने हैं आपको क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी देखिए मुझसे पी एच डी कोर्स वर्क से कंसर्न वीडियो लेक्चर्स मांगे गए थे मैं भी पी एच डी कर रही हूँ और प्री पी एच डी के मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें भी कि जो मैं सीख रही हूँ इस फिलहाल आपके लिए और लेक्चर प्रोवाइड करना वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करना कॉन्टेंट प्रोवाइड करना क्योंकि तो मुझे सीखना है तो मैं सीख कर अपना काम किया और अपने कोर्स पर ध्यान दिया लेकिन जब वीडियो लेक्चर या आप लोगों को देने की बात आती है तो मेरी इन्वॉलमेंट और ज़्यादा हो जाती है तो जितनी एफर्ट्स हो सकते हैं ईज लर्निंग के लिए अपने यूट्यूब चैनल के लिए और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हो सकता है मुझसे एज में ज़्यादा हो या जैसे भी वो मेनली मेरे, मेरे स्टूडेंट्स हैं तो वो जो भी चीज़ मुझसे मांगते हैं कि मैम हमें ये प्रोवाइड कीजिए या आपको इस चीज़ इस चीज़ के लिए रिकॉर्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो मेरा हमेशा ये मोटिव होता है कि मैं उस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके प्रोवाइड करूँ ऑल तो मेरे पास कोई टीम नहीं है फ्रॉम पी पी टी टू एडिटिंग एंड टिल अपलोडिंग सब कुछ ए टू जेड वर्क जो है नोट्स जो है आपके पी डी एफ जो बनते हैं सब कुछ मैं खुद प्रिपेयर कर रही हूँ कोई विदाउट एनी हेल्प ठीक है क्योंकि आई एम नॉट अर्निंग दैट मच कि मैं किसी को रखूं अपने अंदर और उन्हें पे करूं और हायर करूं क्योंकि ये सब चीज़ें मैं अभी खुद ही मैनेज कर रही हूँ फ्यूचर में कभी चैनल ने बहुत ग्रो किया बहुत अच्छा किया तो हो सकता है मेरे पास भी एक टीम हो जो मुझे हेल्प करे और आप लोग मेरी टीम का पार्ट भी बन सकते हैं तब फ्यूचर प्लानिंग्स हैं उस मैं मतलब फ्यूचर सोचती एक स्माइल आ जाती है मेरे फेस पे कि चलो ठीक है फाइनली कभी तो होगा ऐसा तो ये सब चीज़ें हो रही हैं तो एक जरा सी मोटिवेशन मुझे चाहिए होती है आप लोगों से कि जितने मन से आप मुझसे मैसेज पर या व्हाट्सएप पे बात करती हैं कि मैम ये दीजिए उतने ही उससे आप एक कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू लिखिए अच्छा लगा तो भी नहीं लगा तो भी बट डोंट बी अ साइलेंट व्यूअर गिव योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ट्स इट क्योंकि कोई आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है तो कभी क्योंकि मैं भी गिव अप कर देती हूँ कि मुझे नहीं बनाना कोई इंटरेस्टेड में नहीं है या जिसको जो भी हेल्प चाहिए मैं पर्सनली हेल्प कर देती हूँ इट्स ओके लेकिन जब आपको वीडियो लेक्चर मिल रहा है और आपके पूछे गए टॉपिक्स पे वीडियो लेक्चर मिल रहा है तो प्लीज़ गिव योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ड्स योर कमेंट और शेयरिंग कीजिए लाइक कीजिए एक छोटी सी बेसिक चीज़ है ऐसे कोई मोनेटरी बेनिफिट नहीं होने वाला कुछ नहीं मिलने वाला जो अभी तक नहीं हुआ है बस एक मोटिवेशन मिल जाता है कि ठीक है बच्चे इंटरेस्टेड हैं और देखना चाह रहे हैं तो यही बात करता है कोप कि कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स कि आप जब ओरिजिनली कोई अपने आप से कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर बहुत ही हार्डवर्क और इन्वॉलमेंट होती है तो जब उस डेटा को चोरी किया जाएगा या अन इश्यूज होंगे और कोई पर्सन कोई एक कमेटी है जो उस चीज़ में डील कर लेगी आपको पता है कि आप कंप्लेन करेंगे तो आपकी कंप्लेन को सुन लिया जाएगा तो बहुत ही रिलैक्सिंग हो जाता है ई लर्निंग कोर्सेज हैं आपको डेटा भी मिलेगा कोर्सेज भी मिलेंगे एक रिसर्च कंटेंट भी मिलेगा रिसोर्स मिलेगा और आपकी कंप्लेन को भी सु सुना जाएगा तो कोप जो है वो उसका रोल है कि क्वालिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करना रिसर्च में ये आपको दो की वर्ड ध्यान रखने हैं कि टू प्रमोट क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी क्लियर तो सपोर्टिंग पीएर रिव्यूड पीयर रिव्यू एक एडिटोरियल बोर्ड होता है जो चेक करता है कि आपका जर्नल जो है या आपका पेपर आपका पेपर जो है वो प्रॉपरली जो ऑरिजिनल कंटेंट है या नहीं या अकॉर्डिंग टू एक जो एक पैटर्न फॉलो करते हैं पीएर रिव्यूड जर्नल उसके अकॉर्डिंग है या नहीं तो प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ठीक है तो उसकी बात करता है कोप आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे पॉइंट्स इनकरेजिंग कोलाबरेशन कोलाबरेट करने के लिए इंटीग्रिटी क्वालिटी बाद आपको कीवर्ड दिखेंगे बिटवीन एडिटर पब्लिशर रिसर्चर एडिटर कौन हो गया एडिटोरी बोर्ड है तो एडिटर है जो चेक करेगा पब्लिशर जिस पब्लिशर जर्नल के पास आप जा रहे हैं रिसर्चर जो आप पेपर लिख रहे हैं तो एडवोकेटिंग फॉर एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात करता है कोप ठीक है तो आपको कुछ कीवर्ड्स याद याद रखने कि क्वालिटी इन इंटीग्रिटी प्रोवाइड करना एडवोकेटिंग फॉर एथिकल स्टैंडर्ड्स इनक्रेजिंग कोलेब्रेशन तो ये कोलैब करना भी इसका काम है आपको आपकी स्ट्रैटेजी क्या है जो तो कि पर्पज़ ऑफ विजन दो बातें की इन्होंने आई पर्पज़ इज़ टू एजुकेट एंड एडवांस नॉलेज इन मैथड्स ऑफ सेफ गार्डिंग एंड इंटीग्रिटी इन स्कॉल ही रिकॉर्ड कि एजुकेट करना और एडवांस करना नॉलेज को एजुकेट एंड एडवांस नॉलेज आर विजन आई विजन क्या है कि स्कॉलरशिप कल्चरल नॉम या एथिकल प्रैक्टिस को प्रमोट करना ये वाइडिंग रेस्पेक्ट की बात करते हैं कि एथिकल प्रैक्टिस को प्रमोट करना our mission co-op mission is built around three core providing practical resources टू एजुकेट एंड सपोर्ट आर मैंबर्स ताकि मेम्बर्स को एक सपोर्ट मिले एक रिलेक्सेशन एक मिले कि हाँ हमें सुना जाएगा और हमारे कॉन्टेंट को क्वालिटी कंटेंट को ध्यान रखा जाएगा प्रोवाइडिंग अडरशिप इन थिंकिंग फॉर पब्लिकेशन एथिक्स उनमें एक मोटिवेशन और लीडरशिप लेकर आना ऑफरिंग अच्रल प्रोफेशनल वॉयस इन करेंट डिबेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर तो आप मान लीजिए अगर आप मुझ पर दिलाई कर रहे हैं बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने ईज लर्निंग को फॉलो किया है और एग्जाम को क्वालिफाई किया है अगर आपको लगे कभी कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे तो हमें कोई ऐसा सोर्स चाहिए जो हम जो इस पर हमें बिलीव हो क्लियर कि प्रोवाइडिंग अ प्रैक्टिकल रिसोर्स जो हमें एजुकेट करे सपोर्ट करे हमें पब्लिकेशन एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लीडरशिप में लेकर आए एक प्रोफेशनल वॉइस बने तो दैट इज़ आर मिशन फॉर द मिशन ऑफ कॉप तो ये अपना भी है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैंने अगर बोल दिया कि ये टॉपिक इस तरीके से है या मैं जो मैं कॉन्टेंट नॉलेज दे रही हूँ वो ट्रोली totally रिलायबल है बिल्कुल ठीक है जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो अप टू दिलेबस है और आपके नॉलेज uh, के लिए आपके ईजीनेस के लिए बहुत ही कम कॉन्टेंट से जिससे ज़्यादा नॉलेज मिले बुक्स सबके पास हैं सबके पास ढेरों बुक्स हैं दस पेज बारह पेज जो आपको पूरी नॉलेज दे दें उस कॉन्टेंट की उस टॉपिक की बहुत है ठीक है कुछ लाइंस आप एक लाइन सिंगल लाइन आपको मीनिंग क्लियर कर दे तो ये होना चाहिए आपका क्लियर तो ये है कोप्स की स्ट्रैटेजी कि लोगों में प्रोफेशनल एथिक्स के लिए या बिलीव लेकर आना क्लियर नेक्स्ट है फोर स्ट्रैटेजिक प्रायरिटीज फॉर ट्वेंटी फर्स्ट है रेंज रीच रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिवेन्यू रेंज वी विल एक्सटेंड द रेंज ऑफ़ ऑफिस टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल मेंबर्स जितने भी मेबर्स हैं वहीं से इनकी इनकम आती है बिकॉज इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो सबके पास पहुँची रीच वी विल कैरी आउट आर टारगेटेड कैंपेन टू इंक्रीज एंड एक्सटेंड अवेयरनेस अवेयरनेस बताना रिस्पॉन्सिवनेस ताकि लोगों के रिस्पॉन्स आए रिवेन्यू भी अर्न हो कि जितने भी मेम्बर हैं वो अपना एक रिवेन्यू भी अर्न करें ताकि हम काम कर पाएँ तो ये स्ट्रैटेजिक वायरटीज थी छोटा सा मैं रिजन आपको दूंगी कॉप का अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक ही क्लास में पूरी एक यूनिट एफ एफ पी ऑथरशिप कोप आपका वेम और कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट देन पब्लिकेशंस ये सब डिस्कस करेंगे एक ही क्लास में उसका लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ जल्दी आपको वो क्लास मिलेगी तो जो कोर्स वर्क से कंसर्न टॉपिक है उसकी भी क्लास जल्दी आपको मिलेगी सारा से बस कवर कर रहे हैं कंप्यूटर रिसर्च बेसिक बेसिक जो सब यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन है प्री पी एच डी कोर्स से कंसर्न देखिए कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन है ठीक है जिस जो नॉन प्रॉफिट पे है और आप क्या कर रहे हैं आप आ, एडिटर्स को पब्लिशर को सेफ गार्ड और उन्हें सेफ कर रहे हैं उनको क्वालिटी कंटेंट को बचा रहे हैं तो उसकी स्ट्रैटी ये है कि इनकम तो आ जाती है मेम्बर से और आप चैरिटेबल कंपनी थे ट्रस्टी बोर्ड की बात करें तो बारह मेंबर थे जो एक साल में चार बार मिलते हैं और डिसाइड करते हैं एथिकल इश्यूज़ की अगर बात करें तो ये प्रेरिज्म में डील करता है फेब्रिकेशन में डील करता है फॉल्सिफिकेशन में डील करेगा कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया दैट मीन्स आपका पब्लिशर रिसर्चर और जनरल ठीक है ये सब लोग आ गए ऑथरशिप की बात करें तो ऑथरशिप में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑथरशिप है कि जो भी जिसका ऑडिशन कंटेंट है उसको मिले पी एर रिव्यूड में एडिटल बोर्ड आ गया डेटा मैनेजमेंट शेयरिंग में कि कैसे डेटा को मैनेज किया जाएगा कैसे फॉल्सिफिकेशन से बचा जाएगा कैसे मैनिपुलेशन को रोका जाएगा ये इस सब इसमें आ गया एथिकल कंसिडेशन इन कंडक्टिंग रिसर्च विद ह्यूमन एंड एनिमल सब्जेक्ट्स इसमें डील करेगा आपका क्लियर तो ये सारे इशूज़ हो गए अगर इसकी एथिकल इशूज़ को वो कैसे हैंडल करेगा कंप्लेन को तो कॉन्फिडेंशियल रखेंगे सारी कंप्लेन को कंसल्ट करेंगे ठीक है इन्वेस्टिगेट करेंगे और रिसोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे पहले जो जिसने भी कंप्लेन की दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल कंसल्ट किया इन्वेस्टिगेट किया एंड रिसोल्यूशन देन अगर बात करें इसके प्रोवाइडिंग गाइडेंस इन ऑल रिसोर्सेज सपोर्टिंग पीयर रिव्यू और प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हु इज अकाउंटेबल ठीक है देन आपके आर पर्पज और मिशन की बात अगर हो तो पर्पस में आते हैं कि मैथड्स टू सेव गार्ड इंटीग्रिटी ऑफ द स्कॉली बोर्ड और विजन की बात करें तो एथिकल प्रैक्टिस द की वर्ड इज हियर एथिकल प्रैक्टिस स्ट्रेटिज की बात करें अगर फोर स्ट्रेटेज की रेंज देन वी हैव रीच रिस्पॉन्सिनेस एंड रेवेन्यू दिज ऑल आर योर स्ट्रैटेजिक प्लान ओके okay, तो कोबा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या है ये कैसे काम करता है किन एथिकल इश्यूज से कंसर्न है एक क्लास आने वाली है आपकी रिसर्च के एक पूरी यूनिट कवर करेंगे हम जिसमें टोटल मैं मैंने भी फर्स्ट टाइम ऐसे टॉपिक्स देखे जो मैंने रिसर्च पार्ट में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि रिसर्च पार्ट मैंने आपको टीच करते करते बहुत अच्छे से सीख लिया और एक कंट्रोल uh, है उस पर हर टाइप का लेकिन ये जो प्री पी मैं भी नए नए टॉपिक सीख रही हूँ और वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल करवा रही हूँ ताकि आपकी हेल्प हो पाए ठीक है अभी तो इंग्लिश मीडियम में है फ्यूचर में अगर बहुत अच्छे से मुझे टाइम मिला और करें तो मैं हिंदी मीडियम में भी इसके नोट्स लेकर आऊँगी और ये जो पीडीएफ है मैं शेयर करूँगी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे और जो भी जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्नर्स जो नए ऐड हो रहे हैं ग्रुप में और वो एकदम से पीडीएफ मांगते हैं कि मैम हमें पीडीएफ दे दीजिए तो बच्चे ऑलरेडी पीडीएफ्स ग्रुप में ऑलरेडी अवेलेबल हैं हो सकता है आप न्यू जॉइनिंग है तो आपको अभी नोटिस uh, नहीं हो रहे होंगे शो नहीं होंगे लेकिन मैं हमेशा टाइमली वापस से सेंड करती हूँ जो भी नए टॉपिक हैं उससे कंसर्न भी और जो प्रीवियस हैं उससे कंसर्न भी एंड बी पेशेंस आपको दोबारा uh, जो है नोट्स मिलेंगे ठीक है आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट थैंक यू सो मच